सब्सक्राइब कीजिए इंडियन गेमिंग बड़ी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए बेहतरीन टेक एंड व्लॉग के नोटिफिकेशंस पाने के लिए। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं इंडियन गेमिंग बड़ी टीवी, जहां मिलेंगे आपको टेक के साथ ब्लॉग्स भी। तो आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है बट एक बहुत ही अच्छी अपडेट है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने के पहले बस आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको करना है इस वीडियो को लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे कि आप हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि क्या नया है और क्या चीज़ आज की नई मस्त अपडेट आई है, तो वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर और आज ही लॉन्च हुआ है इंडिया में 5G। जी हाँ, 5G। तो अब 4G हो गया है पुराना, 5G का है जमाना। तो दोस्तों, आज इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 का सेशन था, जहां पे अवेलेबल थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अश्विनी विश्वास, जो है कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, तो वो मिनिस्टर हैं। और वो लोग उन लोगों ने मिलके आज इंडिया में 5G नेटवर्क का उद्घाटन किया, जो बहुत ही अच्छी चीज़ थी भारत के लिए। तो अभी ये चीज़ जो है वो शुरू करने वाले हैं जियो और एयरटेल। ये दोनों कंपनियां अभी पहले इस रेस में उतर रही हैं नीचे, क्योंकि सबसे पहले इनका ही नेटवर्क सबसे ज़्यादा अभी बूम पे है इंडिया में, तो सबसे पहले ये रेस में उतर रहे हैं। तो देखते हैं कि अब ये दोनों कंपनियां कितने अच्छे दाम में और कितने अच्छे सर्विस के साथ अपने पैकेजेस को कस्टमर तक और उनके कंज्यूमर तक पहुँचाती हैं, और देखेंगे कि कितना आगे तक जाएगा। अभी जो ये सर्विस है वो सिर्फ इंडिया के 13 सिटीज़ में ही लॉन्च हुई है, मतलब जस्ट अभी इन्होंने डेमो पर्पस के लिए 13 सिटीज़ में लॉन्च किया है। तो उसमें मेन मेन हाईलाइट आती है अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड पुणे। जी हाँ, लखनऊ, मुंबई एंड पुणे। अगर हो सकता है तो ये बनारस में भी एक बार ट्रायल लेने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में। बट अभी ये 13 सिटीज़ हैं जहाँ पे ये नेटवर्क सिर्फ ट्रायल मोड के लिए लॉन्च होगा, बट मे बी शायद अर्ली 2023 या न्यू ईयर के टाइम पे हमको कुछ ऐसे नए कॉम्बो पैकेजेस या कुछ ऐसे सर्विस आती मिलेंगी एयरटेल और जियो के सामने से, जो अपने कंज्यूमर तक 5G नेटवर्क पहुँचा सकती है। तो बस दोस्तों, आज की अपडेट इतनी थी। तो अब आप खुश हो जाइए कि अगर आपने 5G फ़ोन या कोई भी 5G मॉड्यूलेशन का कोई भी गैजेट लेके खरीद के रखा है, तो अब आप कर सकते हैं उसका यूज़, उसको कंज्यूम कर सकते हैं 5G नेटवर्क के मॉड्यूलेशन के साथ। दोस्तों, आज की यही अपडेट थी। तो बताइए आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, तो आप हमें कमेंट्स कीजिए कि आपको क्या क्या नई चीज़ें और पसंद आ रही है हमारी वीडियोज़ में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप तक हमारे नोटिफिकेशन आते रहें। और मैंने ये सारी चीज़ों की डिटेल लिंक्स ऑलरेडी डिटेल्स दे रखी हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर लीजिएगा। और हमारी पिछली वीडियो को भी बहुत सारे अपना प्यार दिखाते रहिए, तो ऐसे ही आप अपना प्यार दिखाते रहिए, हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो दोस्तों, बस मैं हूँ सिद्धार्थ, आप देख रहे थे इंडियन गेमिंग बड़ी टीवी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।